हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना। आज आपको वेक्टर्स में इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों का समाकलन पढ़ाऊंगा। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। तो अब हम एक इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए एक एकल अदिश चर टी का सदिश फलन एफ टी परिमित एकमानीय व टी का संतत फलन हो, तो टी का वो सदिश फलन जिसको टी के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ टी प्राप्त होता हो उसको हम कैपिटल एफ टी का डेरिवेटिव कहेंगे। यानी अगर डी बाई डी टी ऑफ एफ टी स्मॉल एफ टी के बराबर है तो कैपिटल एफ टी विल बी इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ टी। इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ टी विल बी एफ टी डी टी विल बी कैपिटल एफ टी। तो इसमें वही डेफिनेशन है जो आपने समाकलन की पहले पढ़ी हुई है। इसमें स्मॉल एफ टी समाकल्य यानी इंटीग्रेंट कहलाएगा और कैपिटल एफ टी इंटीग्रल यानी समाकल कहलाएगा। इसके बाद कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? हम जानते हैं कि d बाई डी टी ऑफ कैपिटल एफ टी स्मॉल एफ टी आता है। अगर d बाई डी टी ऑफ कैपिटल एफ टी प्लस सी करें तो भी वो स्मॉल एफ टी आएगा। तो हम इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ टी को कैपिटल एफ टी प्लस सी लिख सकते हैं और ये कहलाता है इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ वेक्टर कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। इसके बाद दो तरह के इंटीग्रेशन आते हैं, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तब हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी वेक्टर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी का प्रयोग करते हैं। अब एक थ्योरम लेते हैं हम। अगर एफ टी हमारा जो है वेक्टर वो कंपोनेंट फॉर्म में हो, एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के एकल फलन हो जहाँ टी जो है वो चर है, तो हम इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ टी डी टी विल बी आई इंटीग्रल एफ वन टी डी टी प्लस जे इंटीग्रल एफ टू टी डी टी प्लस के इंटीग्रल एफ थ्री टी डी टी इससे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम? मान लेते हैं हम कैपिटल एफ टी जो है वो कैपिटल एफ वन टी आई प्लस कैपिटल एफ टू टी जे प्लस कैपिटल एफ थ्री टी के बराबर है। तो डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एफ टी विल बी स्मॉल एफ टी, तो कैपिटल एफ टी विल बी इंटीग्रल एफ टी डी टी। तो डी बाई डी टी एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के विल बी एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के स्मॉल लेटर्स में। तो इसको हम डेरिवेटिव को डेफिनेशन से अलग अलग भी कर सकते हैं। डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एफ वन टी आई प्लस डी बाई डी टी ऑफ एफ टू टी जे प्लस डी बाई डी टी ऑफ एफ थ्री टी के। अब आई जे के की अगर हम गुणांकों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एफ वन टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ वन टी, d by dt of capital F to t is small f to t, d by dt of capital F3 t is small F3 t। तो F1 t हो जाएगा इस हिसाब से इंटीग्रल ऑफ स्मॉल F1 t dt, capital F2 t हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ F2 t dt, capital F3 t हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ F3 t dt। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में इंटीग्रल हम लिख सकते हैं आई जे के। इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, आई जे के गुणांक बन जाएंगे ये। तो एक वेक्टर जब कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसके प्रत्येक कंपोनेंट को आप टी के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दीजिए तो वेक्टर का इंटीग्रेशन हमको मिल जाता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। यदि एफ टी और फाई टी ये अदिश चर टी के दो संतत अवकलनीय सदिश फलन हो जिनमें एफ और फाई निम्न तरह से व्यक्त हों, तो अवकलन के मानक सूत्रों से उनके संगत समाकलन के सूत्र भी निम्नानुसार प्रतिपादित किए जा सकते हैं।
जैसे हम जानते हैं कि एफ डॉट फाई, इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डॉट डी फाई बाई डी टी प्लस फाई डॉट डी एफ बाई डी टी। तो हम अगर इंटीग्रल करें एफ डॉट डी फाई बाई डी टी प्लस फाई डॉट डी एफ बाई डी टी का इंटीग्रल, तो ये एफ डॉट फाई प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह से टू एफ डॉट डी बाई डी टी का इंटीग्रल एफ स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एफ स्क्वायर आप लेंगे तो ये जो इंटीग्रेंड है ये आता है। इस तरह से ये विभिन्न सूत्र बनाए गए हैं, इंटीग्रल ऑफ टू डी एफ बाई डी टी डॉट डी टू एफ बाई डी टी स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाता है डी एफ बाई डी टी होल स्क्वायर के। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाइए, एफ क्रॉस डी फाई बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी क्रॉस फाई, इसका इंटीग्रल आ जाएगा एफ क्रॉस फाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एफ क्रॉस फाई का इंटीग्रल, नहीं, एफ क्रॉस डी फाई बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी क्रॉस फाई का इंटीग्रल एफ क्रॉस फाई आ जाता है। इसी तरह ए अगर कोई कांस्टेंट वेक्टर हो तो ए क्रॉस डी एफ बाई डी टी का इंटीग्रल ए क्रॉस एफ आ जाता है। एफ क्रॉस डी टू एफ बाई डी टी स्क्वायर का इंटीग्रल एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी आ जाता है। इसी तरह ए कैप यदि ए की दिशा में इकाई सदिश हो और मॉड ऑफ ए स्केलर ए से लिखा जाता है, तो वन अपॉन स्केलर ए डी ए बाई डी टी माइनस वन अपॉन स्केलर ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी इंटू वैक्टर ए का इंटीग्रल ए कैप प्लस सी आ जाता है। तो इसका सिंपल प्रूफ है, हम जानते हैं ए कैप होता है वैक्टर ए अपॉन इस मैग्नीट्यूड, फिर डी बाई डी टी ऑफ ए कैप करेंगे तो आप इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए, उसके बाद राइट हैंड साइड का इंटीग्रल लेंगे तो आपको अभीष्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थे कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के रिजल्ट्स। इसके बाद है डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर ए से बी के बीच में हमको स्मॉल एफ टी डी टी को इंटीग्रेट करना है, तो हम पहले स्मॉल एफ टी डी टी का इंटीग्रल कैपिटल एफ टी ले लेंगे और उसमें फिर लिमिट्स ए टू बी हो जाएंगी, यानी एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि वेक्टर के इंटीग्रेशन में वो ही सारे सूत्र और फंडामेंटल्स लगते हैं जो कि एक साधारण फलन में लगते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है, जैसे इंटीग्रल एफ टी डी टी निकालना है, जहां एफ टी आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, टी माइनस टी स्क्वायर आई प्लस टू टी क्यूब जे माइनस थ्री के। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए कंपोनेंट फॉर्म में, तो जैसा आपको बताया आर्टिकल में, प्रत्येक कंपोनेंट को अलग अलग इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ सी एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा दीजिए ताकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेशन पालन हो जाए। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन दिया है नीचे, ये आप स्वयं से सॉल्व करिए ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके आगे के सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, तब तक आप ये जो मैंने अभी आपको डेफिनेशंस और ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं इनको आप स्वयं प्रूव करें। थैंक यू।